बहुत अफसोस हुआ। 7 दिन की नाजुक मसूम और बंदूक की 5 गोलियां आज लिखने को ना तो हाथ तैयार है ना दिल की धड़कन साथ दे रही। शायद एक माँ का, पूरे मियाँ वाली का, सारे पाकिस्तान का कुर मैं लफ्जों में ढाल सकूं। 7 दिन कबल एक रहमत ने एक जालिम बाप के घर आँख खोली। ऑपरेशन थिएटर से नर्स मासूम बच्ची लेकर बाप को मुबारक देते हुए उसके हाथ में थमा देती है। बाप नहीं, दरिंदे ने बिना देखे बेड पे फेंक दी, मुझे बेटी नहीं बेटा चाहिए। जख्मों से रस्ते खून से करलाती हुई माँ ने कहा, बेटी तो रोज़े महशर आपको जन्नत में साथ लेकर जाएगी। सालम बाप बोला, मुझे नहीं चाहिए। माँ, इसमें मेरा क्या कसूर, मैंने तो 9 माह पेट में रखा, मुझे बुखार हुआ, दवाई नहीं ली कि बच्चे पर असर ना हो, जो खाने मुझे अच्छे लगते थे छोड़ दिए कि बच्चे के लिए ठीक नहीं, उठते बैठते चलते फिरते एहतियात की कि बच्चे भी असर ना, दर से करलाती रहती थी पर दवाई नहीं खाती थी कि बच्चे पर असर ना हो जाए। भला मुझे बतलाओ तो सही, मेरा कसूर कहाँ है? बाप चंद मिनटों की पैदा हुई बच्ची को बेड पे फेंक के रूम से चला जाता है। फरिश्ते रोए नहीं कुरलाए होंगे जब जालिम बाप ने मौका पाते हुए 5 गोलियां एक मासूम को मार दी। पहली गोली पे बेटी ने क्या कहा होगा, बाबा ना मारा, जब आप दफ्तर से थके होगे मैं आपके शूज उतारा करूंगी, मैं आपके कपड़े इस्त्री किया करूंगी, मैं आपके इंतजार में पानी का गिलास लिए रोजाना दरवाजे पे आपका इंतजार किया करूंगी। दूसरी गोली पे अटकती सांसों के साथ कहा होगा, बाबा ना मारो मुझे, मेरी माँ मुझसे पहले मर जाएगी, बाबा ना मारो मुझे, मेरे लिए सिले छोटे छोटे कपड़े मेरी माँ को पागल कर देंगे, बाबा ना मारो मुझे, मेरी माँ मेरे पैदा होने से पहले मेरे लिए खिलौने लाई थी, मेरे जाने के बाद उन खिलौने की छिन छन तुझे बहुत रुलाएगी बाबा। आखिरी गोली पे मासूम कली ने कहा होगा, कोई बात नहीं बाबा, मैं आपको पसंद नहीं है, मैं तो रहमत सी, शायद बोझ लगी आपको, मैं आपकी खुशी में खुश हूँ बाबा, इस दुनिया में ना सही अगली दुनिया में साथ रखना बाबा, मैं तब तक जन्नत में नहीं जाऊंगी जब तक आप साथ नहीं होंगे बाबा।